जय हिंद दोस्तों। फौजी पहुंचा सलाखों के पीछे, बड़ा मामला सामने आया है। फौजी ने एक मुस्लिम युवक को जान से मारा। क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये सेना के जवान सिपाही भरत आर्य थे, जिनकी बहन शादी का झांसा देकर एक मुस्लिम युवक सुहेल सिद्दीकी नाम के व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ किया शारीरिक संबंध। जब उसकी बहन ने बोला कि शादी करनी पड़ेगी आपको, शादी के लिए आपने कहा था, तो उसने शादी से मना कर दिया, तो फौजी की बहन ने कर ली आत्महत्या। जब फौजी की बहन ने आत्महत्या कर ली, इसमें फौजी ने केस भी किया उसके घर वालों ने। हालांकि ये गरीब था फौजी, लेकिन उसके जब घर वालों ने केस भी किया तो उसमें रफा दफा पुलिस ने कर दिया, मामला शांत हो गया। इसके बाद जो सुहेल सिद्दीकी था, उसने फौजी को कई मैसेज भी किए कि आपने क्या उखाड़ लिया मेरा, मैंने जो किया आपने क्या उखाड़ लिया, फौजी होकर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। ऐसे उसको भड़काया और उनके पड़ोसी जो आसपास के रहने वाले थे उनको ये भी बात कहता था कि दूसरे मजहब की लड़की से शारीरिक संबंध बनाने में हमें जन्नत मिलेगी और ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है। ऐसी ऐसी बातें सुनकर उस फौजी ने, जब उसको ये बातें पता चली, तो वो फौजी घर लौटा और घर लौटने के बाद छुट्टी आया घर में, और घर आने के बाद उसने उसकी हत्या का प्लान बनाया और उसको मौत के घाट उतार दिया। सुहेल सिद्दीकी की मौत हो गई। और बता दें कि फौजी को जेल हो चुकी है और इस पर कई लोग उसके सीओ से भी अनुरोध कर रहे हैं कि सीओ इस पर न्याय दिलाए। अगर किसी को ऐसे कहा जाएगा कि दूसरे मजहब की लड़की से शारीरिक संबंध बनाना, उसके बाद उसको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी, तो ये कहाँ तक सही है? क्या ऐसा जब किसी को कहा जाएगा तो कौन ऐसी घटना नहीं करेगा? तो आप इस पर कमेंट करें। कई लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, उस फौजी को बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं कि उसका फैसला अच्छा था, उसने जो किया, एक राक्षस प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। कई लोग कमेंट कर रहे हैं, आपका इसमें क्या कहना है जरूर कमेंट करें कि ऐसा अगर कोई कहेगा तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, कौन सी रास्ता अपना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।